उत्तर प्रदेश में सत्ता बदलते ही लोग धरने प्रदर्शन पुतला दहन करने सड़क पर उतर आए हैं। बिजनौर राम के चौराहे पर युवा हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला फूंका और भारत के नागरिक को पाकिस्तान ने जासूसी के मामले में फंसाकर उसको फांसी की सजा सुना दी। इस बात से नाराज कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और नारेबाजी कर भारत में रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा के नारे लगाकर अपने गुस्से का इजहार किया। आज हम लोगों ने पुतला दहन कराया पाकिस्तान का और वहाँ की सरकार का, जो पाकिस्तान में कुलभूषण जी को बेफिजूल बिना किसी मतलब के देशद्रोह बताते हुए उन्हें फांसी दी जा रही है, उसके विरोध में हमने यहाँ पर फांसी के विरोध में पुतला दहन कराया पाकिस्तान का और पाकिस्तान का झंडा जलाकर हमने अपना विरोध प्रदर्शन करा है। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे हमारा एक मेजोबा तहसील में स्थित जोगीरामपुरी ग्राम पड़ता है, वहाँ पर मंदिर, जो शिव मंदिर 400 साल पुराना है, उस पर से माइक, सपा सरकार में माइक हटा दिए गए थे, लाउड स्पीकर वहाँ से हटा दिए गए थे, जिसे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने श्री रामनवमी के दिन उन्हें उसके मंदिर की चोटी पर लगाने का कार्य करा था। इसके बाद प्रशासन ने बिना किसी को सूचना दिए वहाँ से माइक मंदिर की चोटी पर जूते चप्पल लेकर प्रशासन चढ़ा है और वहाँ से माइक उतारने का काम करा है। जब वो माइक उतार रहे थे तो कुछ लड़कों ने वहाँ पर वीडियो बनाने का काम करा, तो प्रशासन ने उन्हें मारने का काम वहाँ पर करा है जो हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता थे। हिंदू युवा वाहिनी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और प्रशासन को ये बताती है कि जल्द से जल्द प्रशासन इस मामले में संज्ञान ले और तुरंत तत्काल मंदिर पर माइक लगाए जाए, वरना जो वहाँ पर मस्जिद है उनके भी माइक उतरवाए जाए। आज हमने यहाँ पे पंचमुखी हनुमान मंदिर राम के चौराहे पर मीटिंग की, मीटिंग में चर्चा हुई, चर्चा के बाद हमने ये पुतला दहन किया है जो नवाज शरीफ का पुतला है और पाकिस्तान का विरोध जताया है। विरोध जताने का कारण हमारा ये रहा कि वहाँ पे जो पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण यादव जी को फांसी की सजा दी गई है, इसका हम विरोध करते हैं, जबकि उनके पास सारे दस्तावेज थे, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ था, परंतु उन्होंने पाकिस्तान में गुप्तचर घोषित करके फांसी की सजा दी जा रही है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो सुषमा स्वराज जी का बयान आज संसद में दिया गया है कि यदि यादव जी को फांसी होती है तो पाकिस्तान इसका खामियाजा भुगतेगा, हम उनके संवाद के साथ, उनके द्वारा दिए गए भाषण के साथ, उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के साथ हैं और इसकी घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध। मैं हिंदू युवाहिनी जिलाध्यक्ष नीरज कुमार बिश्नोई, आज हमने पाकिस्तान के नवाज शरीफ का, प्रधानमंत्री का पुतला फूंका है वहाँ, और पुतला इस वजह से फूंका है क्योंकि कुलभूषण यादव जी को वहाँ नाजायज बताया जा रहा है, तब भी उनके पास पासपोर्ट भी है, पासपोर्ट होने के बावजूद भी हम और उन्हें फांसी की सजा दी जा रही है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और जहाँ तक मामला शासन का रहेगा, शासन को भी ऊपर लिख के भेज दिया गया है और हम चाहते हैं कि हमारे देश का आदमी, हमारे कुलभूषण जी, ये वापस आएँ और पाकिस्तान का पूरा विरोध करते हुए उस पर कार्रवाई की जाए।